मध्य प्रदेश के शिवनी जिले के तहसील मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम का नगर आगमन 10 जनवरी 2020 शुक्रवार को होना तय था। दादा हीरा सिंह मरकाम का देखने और सुनने के लिए अपार जन समुदाय उपस्थित था, मगर उन्हें यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि दादा हीरा सिंह मरकाम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस खबर को सुनकर आदिवासी जन समुदाय बहुत दुखी हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के मुखिया योग जिलाध्यक्ष के निर्देशन पर स्थगित किया गया और जनवरी में ही पार्टी के द्वारा कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। घनसोर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। आज घनसोर क्षेत्र में जैसे ग्रांडर में जहाँ बहादुर साथी संघर्ष की गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 30 दिन से कार्यकर्ताओं भूख हड़ताल जारी है, धरना जारी है। भाइयों, आदिवासियों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में समस्याओं के बारे में पूर्व वक्ताओं ने आपको बारी बारी से बताया। भाइयों, आज ये समय सोने का नहीं है, आज ये संघर्ष का समय है। आज ऐसी देश प्रदेश में यह कि हम कुछ क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है और 21 दिन लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से निरंतर जारी रहा और आज यह जो कार्यक्रम का स्थगन किया गया है, चूँकि दादा हीरा सिंह मरकाम का जन्मदिवस 14 जनवरी को अमरकंटक में रखा गया है, इसलिए समस्त गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी को वहाँ पर पहुँचना अनिवार्य रूप से रहता है। इसलिए मध्य प्रदेश के हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मुखिया के निर्देशन पर एवं जिला अध्यक्ष के निर्देशन पर यह कार्यक्रम स्थगन किया गया है और आने वाले दिनों में जनवरी में एक कलेक्टर घेराव किया जाएगा इसी को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।